राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की यूथ सदस्यता अभियान का एक निजी होटल में आयोजन किया गया है, जिसमें लगभग 50 युवाओं ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। जहां कोटा विधानसभा क्षेत्र के प्रांजल को यूथ अध्यक्ष बनाया गया है, जिनके नेतृत्व में लगभग 50 युवाओं ने सदस्यता ली है। वह इस दौरान आपस में तालमेल की कमी लगी है, जब बेलतरा विधानसभा के संभावित प्रत्याशी संजय सिंह चौहान मीडिया से बात कर रहे थे और इसी बीच प्रदेश प्रवक्ता नीलेश विश्वास संजय सिंह की बात को काटते हुए बोल पड़े। बाकी सब ठीक है, मगर आप अपने आप को अभी कहाँ देखते हैं वर्तमान परिस्थिति में? हम जो है हम कम सीट पर चुनाव लड़ेंगे। कितने सीटों में? 15 से 20 सीट पे चुनाव लड़ेंगे। सरकार बना लीजिए 20 सीट शुरुआत हम करेंगे, छोटे से शुरुआत होती है। हम ऐसा नहीं बोलते हम सरकार पे कब बना देंगे, सरकार छोटे से होती है। हम 15 सीट उठाएंगे, 5 उठाएंगे, सरकार करेंगे। जो हमारे कॉमन में प्रोग्राम बनेगा उसके साथ हमारा जो बात मानेगा, जो गरीब और मजदूर स्तर पे तो आपका बिल्कुल हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा। हम तो बोले कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा, जो हमारे साथ सहमत होगा, कांग्रेस नहीं बीजेपी भी रहेगी तो भी हम बोल रहे हैं। हमारे संजय जी, महाराष्ट्र में आपका शरद पवार जी और कांग्रेस से है अभी भी गठबंधन, तो यहाँ भी रहेगा कांग्रेस से? जरूरी नहीं है सर। ठीक, थैंक यू। स्टेबल नहीं नजर आ रही है, सड़क में नहीं नजर आ रही है, उसके बाद भी आप मुंबई का दम भर रहे हैं, कैसे पॉसिबल होगा, क्या रोड मैप था? रही बात तो आपने का एक प्रश्न का जवाब मैं देना चाहता हूँ। आया अमर गया, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कौन आया कौन गया इस पार्टी से। इस पार्टी में जो आया एक बार भी कभी नहीं गया इस पार्टी से। जो अभी तक आया है वही हमेशा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का होके रहा है। दूसरी बात, हम किस बात पर दम भर रहे हैं? आपका जो दूसरा प्रश्न था उसका जवाब मैं दे रहा हूँ। नीलेश विश्वास पार्टी सिर्फ जनता के मूलभूत सुविधाएं जो छत्तीसगढ़ के बनने के बाद 22 साल में आज तक ये दोनों पार्टियां जो एक 15 साल के राज किए हैं और एक 4 साल से कर रहे हैं, जिन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार। रहा सवाल भाजपा का 15 साल काल में नान घोटालों को आप कैसे भूल जाते हैं, कितने हजार का करोड़ का आप मीडिया वालों से मैं पूछना चाहता हूं कि आप लोगों को जानकारी में है और क्या उसके भाजपा पार्टी ने क्या किया आज तक? कोई जवाब नहीं दे सकते आप लोगों ने। 56,000 करोड़ से ऊपर का और किसका दामाद था और किसका लड़का इन्वॉल्व है भाजपा में, बताइए मेरे को। तो सवाल साहब, एक बड़ा चोर और दूसरा छोटा चोर, समझे?